नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार और आज के इस लेक्चर में हम पिछले कुछ दिनों का नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर एनालिसिस करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने 25 नवंबर तक जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे उन सब का एनालिसिस कर लिया था। आज के इस लेक्चर में 26 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब का एनालिसिस करने वाले हैं। और हमारा इस सेशन करंट अफेयर का सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिलेगा यहाँ टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से जुड़ जाइएगा पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। इसके अलावा इस वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट में भी पिन किया हुआ है। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और रेगुलर करेंट अफेयर प्राप्त करना चाहते हैं, अपडेटेड रहना चाहते हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले आज किन किन टॉपिक्स पर एनालिसिस करने वाले हैं सबसे पहले वो देखते हैं। तो पहला टॉपिक है 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत के नए संसद भवन की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद हाल ही में भारत में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया। भारत ने इस सूचकांक में 10वां स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 दिसंबर 2020 को चौथी इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। यह शिखर सम्मेलन 10 दिसंबर 2020 को समाप्त होगा। इसके बाद 7 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली आगरा मेट्रो के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया जाएगा। इसके बाद हाल ही में चीन और नेपाल में संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई 8,848.86 मीटर की घोषणा की है। और गौरतलब है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में 46 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का ये। इसके बाद हाल ही में मध्य प्रदेश के 2 शहरों ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहर की सूची में शामिल किया गया है। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद हाल ही में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने इन्वेस्ट इंडिया को संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में घोषित किया है। इसके बाद है हाल ही में भारतीय मूल के अनिल सोनी को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन का CEO नियुक्त किया गया है। वे 1 जनवरी 2020 को जो है अपना पदभार संभालेंगे। इसके बाद भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना ने 4-5 दिसंबर 2020 तक पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में पासिक्स अभ्यास का आयोजन किया। इसके बाद का हमारा टॉपिक है 10 दिसंबर 2020 को रंजीत सिंह दिशाने ने वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 जीता। यह महाराष्ट्र के सोलापुर के एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं। इसके बाद यूके फाइजर इंक द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। इस वैक्सीन का निर्माण बायोएनटेक एसी नामक जर्मन कंपनी के साथ मिलकर किया गया है। इसके बाद का हमारा टॉपिक है केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री द्वारा 1 दिसंबर 2020 को 10 दिवसीय आदि महोत्सव का शुभारंभ किया गया। यह महोत्सव वर्चुअल फॉर्मेट में आयोजित किया जा रहा है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है 15 वर्षीय भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक और आविष्कारक गीतांजलि राव को टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर नामित किया गया है। इसके बाद प्रत्येक वर्ष नागालैंड राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया जाता है और इसी तरह से इस वर्ष भी 1 दिसंबर को इसका आयोजन किया गया। इसके बाद पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और इसके बाद आज का हमारा जो लास्ट का टॉपिक होगा वो है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में क्वारंटाइन सबको वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना है। चलिए इसके बाद अब हम विस्तार से एनालिसिस करते हैं हर एक टॉपिक का। तो जो पहला हमारा आज का टॉपिक है नए संसद भवन की आधारशिला आज ही यानी कि 10 दिसंबर को रखी गई है। तो इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और जो भी आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ये याद रखिएगा कि यह जो नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है यह किया जा रहा है किस प्रोजेक्ट के तहत, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। और इस नए संसद भवन का जो निर्माण है वो लगभग 971 करोड़ रुपए से किया जाएगा। आधारशिला कब रखी गई ये डेट याद रखिएगा 10 दिसंबर को। और यह प्रोजेक्ट जो है कब कंप्लीट होगा तो 2022 तक
नए संसद भवन का निर्माण जो है वो कर लिया जाएगा और इसमें 1400 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। 888 लोग जो है वो लोकसभा में बैठ सकते हैं, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। और इसके अलावा 384 के आसपास जो है वो राज्यसभा में बैठने की व्यवस्था की जाएगी इस नए संसद भवन में। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत वर्तमान में जो है नया संसद भवन बनाया जाएगा, राष्ट्रपति भवन में भी कार्य किया जाएगा। जो आप नॉर्थ और साउथ ब्लॉक देखते हो वो भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है और यह सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है लगभग 20,000 करोड़ रुपए का है। ये भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में याद रखिएगा, इसके बजट के बारे में याद रखिएगा और नए संसद भवन का हाल ही में जो भूमि पूजन किया गया है इसके बारे में याद रखिएगा। और इससे जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने यहाँ पर बताए ये आपको ध्यान रखना है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लियर, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाल ही में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 को रिलीज किया गया है, तो इसके अनुसार यानी कि इस इंडेक्स के अनुसार कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखना है इस पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग आपको याद रखना होगा। तो इस इंडेक्स के अनुसार इस वर्ष यानी कि 2021 के इस इंडेक्स के अनुसार भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है और अगर पिछले साल की बात करें 2020 की रिपोर्ट की तो भारत को 9वां स्थान प्राप्त हुआ था, यानी कि भारत को यहाँ एक स्थान का नुकसान हुआ है। और इस सूचकांक को न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के सहयोग से जारी किया जाता है। और इस रिपोर्ट की खास बात यह है कि इस रिपोर्ट में कहा गया कि कोई भी देश पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट जो कि 2015 में साइन हुआ था उसको फुलफिल नहीं करता है। और इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकिंग देखोगे तो किसी भी कंट्री को फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकिंग नहीं दिया गया, क्योंकि कोई भी कंट्री जो है क्लाइमेट चेंज को लेकर बेहतरीन कार्य नहीं किया है, इसलिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड रैंकिंग किसी भी कंट्री को नहीं दिया गया है। यहाँ पर फोर्थ से स्टार्ट हुआ है, फोर्थ है स्वीडन, फिफ्थ पे है यूके, सिक्स पे है आपका डेनमार्क, सेवन्थ पे है आपका मोरक्को और एट पे है आपका नॉर्वे, नाइन्थ पे है चिली और टेंथ पे है इंडिया। इंडिया पिछले साल जो है वो आपका 10th पोजिशन पे था। अगर प्रीवियस ईयर में इंडिया की रैंकिंग देखोगे तो 2020 का दिखेगा, 2019, 18, 17, 16, 15 और 14। तो इस तरह से आप इन सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। ये भी याद रखिएगा कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक जो है वो पहली बार 2005 में जारी किया गया था। इसके अलावा आपके इसके पैरामीटर को भी ध्यान रखना है कि कौन कौन से पैरामीटर के आधार पर इस रैंकिंग को रिलीज किया जाता है। तो सबसे पहला पैरामीटर है ग्रीन हाउस गैसेस, इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी, कौन कौन से कंट्रीज की तरफ से रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस किया जा रहा है इस बात को भी ध्यान रखा जाता है। और इसके अलावा उस कंट्री में किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज को लेकर पॉलिसीज बनाई गई है यानी कि जलवायु नीति, इस बात पर भी ध्यान रखा जाता है। और इसके अलावा उस देश में ऊर्जा का उपयोग यानी कि एनर्जी का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है इस बात पर भी ध्यान रखा जाता है। तो इस तरह से कुल 4 पैरामीटर के आधार पर इस रैंकिंग को रिलीज किया जाता है। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। स्क्रीनशॉट लेने का आप टेंशन मत लेना, आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में वहां आसानी हो। क्लियर है, चलिए इसके बाद का जो हमारा अगला टॉपिक है ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये है हमारा इंडिया मोबाइल कांग्रेस। तो 8 दिसंबर 2020 को चौथी इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। पहला इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन जो है 2017 में किया गया था और यह एक शिखर सम्मेलन होता है जिसका आयोजन जो है मैंने आपको बताया कि 8 दिसंबर को शुरू हुआ और यह एक 3 दिवसीय आयोजन था जो कि 10 दिसंबर 2020 तक चला। इसका थीम भी याद रखिएगा, इसका थीम है इंक्लूसिव इनोवेशन स्मार्ट सिक्योर एंड सस्टेनेबल, इस वर्ष का ये थीम था। तो इसके बारे में याद रखिएगा इंडिया मोबाइल कांग्रेस के बारे में, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको और भी ध्यान रखना है इंडिया मोबाइल कांग्रेस रिलेटेड। यह जो है भारत और साउथ एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल फोरम होता है, डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फोरम होता है। इस फोरम में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है और इसके अलावा एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि साउथ एशिया का यह सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी का फोरम होता है और इस इवेंट का आयोजन जो है सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ
इंडिया और इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर आपको इतने पॉइंट्स को ये भी ध्यान रखना है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस आखिर है क्या, क्लियर है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जैसे मैंने बताया कि इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2017 में किया गया था और इस साल इसका चौथा संस्करण है, क्लियर है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट का टॉपिक है आगरा मेट्रो रेल परियोजना से रिलेटेड है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक यहां सवाल पूछता हूं जिसका जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में करिएगा। भारत का पहला मेट्रो रेल परियोजना कौन सा है और कौन से वर्ष में इसे शुरू किया गया था, नीचे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर करिएगा। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वर्चुअल माध्यम से आगरा मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किए हैं। इसका जो टोटल अनुमानित लागत है यानी कि इस पर जो बजट खर्च होने वाला है, इस बजट को याद रखिएगा 8,379 यानी कि लगभग 8,380 करोड़ रुपए, जो इस प्रोजेक्ट की जो टोटल लंबाई होगी वो 29.4 किलोमीटर की होगी और इसमें दो कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। आप यहाँ दो कॉरिडोर देख सकते हो, ये पहला कॉरिडोर है और ये दूसरा कॉरिडोर है। अभी पहले चरण का यानी कि पहले कॉरिडोर का जो है वो शुभारंभ यानी कि उद्घाटन किया गया है और इस परियोजना के अंतर्गत में ताजमहल, आगरा किला, सिकंदरा जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़ेगा। इसके अलावा रेलवे स्टेशन को जोड़ेगा, बस स्टैंड को जोड़ेगा और इसके अलावा आगरा के जो प्रमुख क्षेत्र है उसे उस क्षेत्र को भी इस मेट्रो रेल परियोजना से जोड़ा जाएगा। तो आगरा रेल मेट्रो परियोजना के बारे में याद रखिएगा। और मैंने जो आपसे एक प्रश्न पूछा कि भारत का सबसे पहला मेट्रो रेल परियोजना कौन सा है और इसकी शुरुआत कब की गई थी, क्लियर, इसका जवाब आप लोग जरूर कीजिएगा। चलिए इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, ये है माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई। हाल ही में चीन और नेपाल द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापी गई है और इस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में कुछ वृद्धि दर्ज की गई है। तो अभी तक हम जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पढ़ते आ रहे थे उसकी ऊंचाई मापी गई थी 1954 में भारत के द्वारा, जिसे सबसे ऑथेंटिक माना जाता है और यह ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर, जिसको कब मापा गया था 1954 में, किसके द्वारा मापा गया था, भारत के द्वारा ही मापा गया था, जिसको अब तक सबसे ऑथेंटिक माना जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसे सबसे ऑथेंटिक माना जाता है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा भी हिमालय की ऊंचाई मापी गई थी जिसमें 8,848 से 6 मीटर ज्यादा बताया गया था, लेकिन पूरी दुनिया भर में इसे सबसे ऑथेंटिक माना जाता है। लेकिन अभी हाल ही में चीन और नेपाल द्वारा संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को मापा गया और अब जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर हो गई है, यानी कि इसमें 86 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। और आपके मन में सवाल आता ही होगा कि आखिर एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ी कैसे, तो बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, भूकंप आते हैं, तो इस आधार पे कहा गया है कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है उसमें 86 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। याद रखिएगा, मस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे पहले 1954 में जो भारत ने इस ऊंचाई को नापा था 8,848 मीटर का, वो ऊंचाई अब तक मान्य था, लेकिन अब चीन और नेपाल ने जो संयुक्त रूप से इसे मापा है और अब इसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर, क्लियर। अगर माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखोगे तो माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई अब जो है 8,848.86 मीटर है। इस पर्वतमाला को नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है और यह चीन नेपाल की सीमा पर स्थित है। याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड इतने फैक्ट्स को, क्लियर। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट का टॉपिक है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भारत के दो प्रमुख शहरों को, मध्य प्रदेश के दो प्रमुख शहरों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। कौन कौन से ये दो शहर हैं, तो पहला शहर है आपका ग्वालियर और दूसरा शहर है आपका ओरछा, दोनों ही मध्य प्रदेश के शहर हैं। और अगर अब हम बात करें कि भारत में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किए गए स्थलों की संख्या कितनी हो गई है, तो अब तक 38 था जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल था शहर, और अब दो बढ़ गया तो ये हो गया टोटल 40, क्लियर है। और अगर हम यहाँ पर सबसे पहले ओरछा की बात करें तो ओरछा जो है मध्य प्रदेश के निवारी जिले में स्थित है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है और यह अपने मंदिरों और महलों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है,
16वीं शताब्दी में ऐसा कहा जाता है कि यह शहर जो है बुंदेला राजवंश की राजधानी हुआ करता था और इस शहर की स्थापना जो है रुद्र प्रताप सिंह द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 1501 ईस्वी में किया गया था। तो ये कुछ इस टॉपिक का स्टैटिक पार्ट है, क्योंकि अगर इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है यूनेस्को द्वारा, तो हो सकता है आपसे यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया शहर के बारे में ना पूछकर ओरछा के बारे में पूछे, तो इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आपको याद रखना है, क्योंकि हिस्टोरिकल साइट्स होने की वजह से ही यूनेस्को द्वारा जो है इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। इसके बाद अगर हम ग्वालियर की बात करें, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश के मध्य भाग का एक प्रमुख शहर है, यानी कि मध्य प्रांत का एक प्रमुख शहर है। यह शहर जो है गुज्जर प्रतिहार, इसके अलावा बघेल कछवाद तोमर और सिंधिया राजवंश की राजधानी रहा है। और ग्वालियर शहर जो है ग्वालियर जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। और इस शहर की स्थापना किसने की थी, सूरज सेन ने की थी। यूनेस्को के बारे में भी आप लोग याद रखिएगा, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसे इस्टेब्लिश कब किया गया था, तो इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी आपको याद रखना है, तो इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और इसका जो मेन उद्देश्य है और इसका मेन जो कार्य है वो पूरे विश्व के कल्चर को संरक्षित करना है, और इसके अलावा जो पौराणिक धरोहर होते हैं उसे संरक्षित करना है, एजुकेशन के क्षेत्र में कार्य करना है, ये सारे इसके जो है कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। तो आपको यहाँ यूनेस्को के बारे में भी ध्यान रखना होगा, क्लियर। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला जो टॉपिक है हमारा संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार, यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड से रिलेटेड है। तो हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया को वर्ष 2020 के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने हेतु घोषणा किया गया है संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए, क्लियर है। और आपको ये याद रखना है कि इस पुरस्कार के लिए लगभग 180 एजेंसियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिसमें से इन्वेस्ट इंडिया ने यह पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार जो है व्यापार यानी कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के विकास के मुद्दों से संबंधित है। इसकी स्थापना यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड की स्थापना 1964 में की गई थी, और यह वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को भी यह रिलीज करता है। इसके अलावा ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट को भी इसी के द्वारा जारी किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्ष 2020 में इन्वेस्टमेंट इंडिया को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसके अलावा वर्ष 2018 में भी इन्वेस्टमेंट इंडिया को यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए इन्वेस्ट इंडिया के बारे में भी यहां पर थोड़ी सी बात आपको याद रखना है। इन्वेस्ट इंडिया जो है भारत की एक राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी है, यानी कि नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी है। इसे औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के तहत गैर लाभकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया है, और यह जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स यानी कि फिक्की और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के, और भारत सरकार को भी ये अपना सेवा प्रदान करता है। तो इन्वेस्ट इंडिया के बारे में आपको क्लियर रखना है, यह हमारे देश में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देता है। चलिए बढ़े अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो हमारा टॉपिक है वो अमित सोनी को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन का CEO अपॉइंट किया गया है, और यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन के ये पहले CEO होंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन को इस्टैब्लिश किया गया है इसी वर्ष मई के महीने में, और इसे इस्टैब्लिश किए जाने के पीछे का उद्देश्य है विश्व की सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने के लिए इस फाउंडेशन को इस्टैब्लिश किया गया है। तो यार नाम याद रखिएगा, अनिल सोनी को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन का पहला CEO नियुक्त किया गया है। 1 जनवरी 2020 से ही अपना पदभार जो है वो संभालेंगे। तो इतने पॉइंट्स को आपको यहाँ पर ध्यान रखना वन डे एग्जाम के लिए, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, अनिल सोनी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। चलिए क्लियर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1948 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड की राजधानी है। 94 कंट्रीज जो है वर्तमान समय में इसके मेंबर हैं, और 150 देशों में इसके कार्यालय वर्तमान समय में मौजूद है, और यह एक अंतर सरकारी संगठन है तथा सामान्यतः अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालय को जो है वो हेल्प करता है और विभिन्न चुनौतियों का सामना करता है और
और विभिन्न बीमारियों पर गाइडलाइन भी जारी करता है और उस पर रिसर्च भी करता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी याद रखिएगा। और कोरोना महामारी की वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसके बारे में भी आपको यहाँ याद होना चाहिए। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है पासिक्स नौसेना अभियान, पासिक्स नौसेना अभ्यास। तो भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना 4 से 5 दिसंबर 2020 तक पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में पासिक्स अभ्यास का आयोजन किया। और पासिक्स अभ्यास जो है एक पासिस एक्सरसाइज है, यानी कि समुद्री रास्ताओं को सुगम बनाने के लिए इस अभ्यास का आयोजन किया जाता है। और पासिक्स एक्सरसाइज जो है भारत सिर्फ रूस के साथ नहीं करता, ऐसा नहीं है कि भारत और रूस के बीच नौसेना का जो अभ्यास किया जाता है उसका पासिक्स नाम है। भारत इस पासिक्स अभ्यास का आयोजन अमेरिका के साथ भी करता है, चीन के साथ भी करता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी करता है, जापान के साथ भी करता है, यानी कि भारत के जो भी मैत्री देश हैं उनके साथ इसका आयोजन किया जाता है। आपके लिए यहाँ पर एक सवाल है, सवाल ये है कि भारत और रूस कौन से नौसेना अभ्यास एक साथ करते हैं। आप इसका आंसर नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर करना, क्लियर है। तो पासिक्स अभ्यास के बारे में आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 से संबंधित है। हाल ही में एक भारतीय मूल के व्यक्ति को ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। इनका नाम है रंजीत सिंह दिसाले और ये जो है महाराष्ट्र के सोलापुर के एक प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हैं। और वैश्विक शिक्षक पुरस्कार यानी कि ग्लोबल टीचर प्राइज जो है वर्की फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है और इसके तहत $1 मिलियन की जो राशि है वो पुरस्कार के तौर पर दिया जाता है, यानी कि लगभग 7.5 करोड़ रुपए। दिसाले जो है लड़कियों के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं और इसके अलावा जितने भी पुस्तक आते हैं उसे QR कोड के माध्यम से शिक्षा देने के क्षेत्र में जो इन्होंने कार्य किया है इसी के लिए इन्हें ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। ग्लोबल टीचर प्राइज इस पुरस्कार की स्थापना जो है 2015 में किया गया था, किसके द्वारा, वर्की फाउंडेशन द्वारा इसे स्टैब्लिश किया गया था। तो याद रखिएगा ग्लोबल टीचर प्राइज के बारे में, किन्हें मिला है इनके बारे में याद रखिएगा, किस लिए मिला है इनके बारे में याद रखिएगा, कौन सी एजेंसीज द्वारा दिया जाता है इस प्राइस को ये याद रखिएगा और शुरू कब किया गया था ये आपको याद रखना है, ठीक। चलिए अगला टॉपिक है दुनिया का पहला ऐसा देश जिसने COVID-19 वैक्सीन को लॉन्च किया है। वो देश है आपका यूनाइटेड किंगडम जिसने COVID-19 वैक्सीन को लॉन्च किया है और यह पहला देश बन गया है। हालांकि चीन और रूस भी COVID-19 वैक्सीन को लॉन्च कर चुके हैं लेकिन वो पूरी तरह से उसका परीक्षण नहीं किया गया, ना ही किसी वर्ल्ड एजेंसी से उसको अनुमति मिली है। लेकिन यह जो वैक्सीन है फाइजर जिसका नाम है ये पूरी तरह से सुरक्षित है, 95% तक इसका सक्सेस रेशियो है और सारे परीक्षण से होकर गुजरा है और यह जो है और इस वैक्सीन को यूनाइटेड किंगडम लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है। याद रखिएगा कोरोना का समय चल रहा है और यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ब्रिटिश सरकार ने जो है हाल ही में फाइजर और बायोनटेक द्वारा विकसित COVID-19 वैक्सीन को लॉन्च कर दिया है। फाइजर वैक्सीन की अगर हम बात करें तो यह जो है 43,538 लोगों के बीच 94 से अधिक COVID-19 संक्रमणों का मूल्यांकन किया गया, उसके बाद इसे लॉन्च किया गया। फाइजर वैक्सीन जो है mRNA तकनीक का उपयोग किया गया, इस तकनीक का नाम याद रखिएगा mRNA, इसी तकनीक पर इसे विकसित किया गया है। अगर इस वैक्सीन से रिलेटेड कुछ यहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन लें तो इस वैक्सीन को जो रखा जाता है यानी कि जो स्टोर किया जाता है इसके लिए कम से कम -80 डिग्री तक इसके लिए टेम्परेचर चाहिए होता है, इसीलिए इस वैक्सीन को बहुत सारे देशों तक वितरित करना भी एक चैलेंजिंग काम है। अगर हम सिर्फ भारत की भी बात करें तो भारत में -27 डिग्री तक के वैक्सीन को स्टोर करने की क्षमता है लेकिन -80 डिग्री तक स्टोर करने की क्षमता नहीं है। हालांकि फाइजर पे काम किया जा रहा है ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो कम टेम्परेचर पे ही पे भी रखा जा सके और इसीलिए फाइजर वैक्सीन की तुलना में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को जो है अधिक प्रभावशाली माना जा रहा है, जो कि ऐसा अनुमान है कि वो भी बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन उसे इतने टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होती है। तो फाइजर हालांकि लॉन्च हो चुका है लेकिन यह एक चैलेंजिंग फेज से भी गुजर रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस टॉपिक को। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है
आदि महोत्सव 2020 से रिलेटेड, जो कि इस वर्ष आदि महोत्सव का आयोजन जो है वो खासकर मध्य प्रदेश में किया जा रहा है और इस वर्ष जो है इसका आयोजन वर्चुअली रूप से किया जा रहा है। और 2019 में इस आदि महोत्सव का आयोजन किया गया था दिल्ली में, उद्देश्य भी बताऊंगा लेकिन सबसे पहले देख लीजिए, 2021 में इसका आयोजन किया जाएगा गुजरात में और 2022 में इसका आयोजन किया जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में। तो आदि महोत्सव जो है खासकर जनजातियों के लिए मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय जनजाति एक उत्सव है। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा इसे ट्राइफेड की मदद से जो है इसका संचालन किया जाता है और इसकी शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी और तब इसे प्रतिवर्ष, तब से इसे जो है प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। और मुख्य रूप से जो आदिवासियों के कल्चर्स हैं, जो आदिवासियों के फेस्टिवल्स हैं, उसे प्रमोट करने के लिए, उसे जागरूक करने के लिए इस फेस्टिवल को प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने का फैसला लिया गया है। शुरुआत वर्ष 2017 में हुआ था, 2019 में इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था, 20 में मध्य प्रदेश में हो रहा है, 21 में आपका गुजरात में होगा और 22 में आपका कहां, पश्चिम बंगाल में होगा। तो आदि महोत्सव के बारे में आप यहां ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ और अगला टॉपिक जो है हमारा टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर चुना गया है। एक भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक है जिनका नाम है गीतांजलि राव और यह जो है 15 वर्ष की हैं। इन्हें टाइम मैगजीन का जो है पहला किड ऑफ द ईयर चुना गया है। टाइम मैगजीन की तरफ से जो है किड ऑफ द ईयर चुनने की पहल इसी वर्ष शुरू की गई है। चूंकि पहला नाम है गीतांजलि राव का और वो भी भारतीय मूल की है, अमेरिकी वैज्ञानिक है, इसलिए यह टॉपिक जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनका नाम आप लोगों को याद रखना है और किस लिए इन्हें किड ऑफ द ईयर चुना गया है, क्योंकि ये दूषित पेयजल को लेकर, इसके अलावा नशीली पदार्थ को लेकर, नशीली पदार्थ की लत को लेकर और इसके अलावा साइबर से रिलेटेड इन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं, बहुत सारे सजेशंस दिए हैं और इसी के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए जो इन्होंने सहायता दिया है, तो इन्हें किड ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन की तरफ से चुना गया। टाइम मैगजीन की अगर हम बात करें तो यूएसए का और पूरी दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन माना जाता है और टाइम मैगजीन जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा रिलीज किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है हॉर्नबिल महोत्सव। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीजीपीएससी की नहीं लेकिन अगर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखें तो हॉर्नबिल महोत्सव से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो चांसेस हैं कि आपके सीजीपीएससी एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो याद रखिएगा कि हॉर्नबिल महोत्सव जो है नागालैंड राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। नागालैंड का स्थापना हुआ था 1 दिसंबर 1963 को और हॉर्नबिल जो है एक पक्षी का नाम है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे, लेकिन ये समझ लीजिए यह फेस्टिवल हॉर्नबिल महोत्सव जो है इसका 21वां संस्करण है तथा इसका आयोजन 1 से 5 दिसंबर 2020 तक किया गया। और जैसा मैंने आपको बताया कि एक हॉर्नबिल पक्षी है जो कि इसको विलुप्त होने की कगार पे रखा गया है आईयूसीएन के कैटेगरी के अनुसार और इस महोत्सव की शुरुआत जो है वर्ष 2000 में किया गया था और हॉर्नबिल पक्षी जो है अरुणाचल प्रदेश और केरल का राजकीय पक्षी है, इसे भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा विश्व एड्स दिवस। पूरे विश्व में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स दिवस, तो आपका 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1988 में हुआ था, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और इसे शुरुआत करने के पीछे का जो उद्देश्य था एड्स के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना था। वर्ष 2020 का आपको थीम याद रखना है तो वैश्विक एकजुटता लूज सील एचआईवी सेवाएं जो है वर्ष 2020 का इसका थीम है। चलिए इसके बाद जो हमारा आज के इस एनालिसिस वीडियो में लास्ट का टॉपिक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। देखिए जितने भी वीकली में हम लोग टॉपिक्स एनालिसिस करते हैं वो सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिसका मैक्सिमम चांसेस होता है कि आपसे परीक्षा में पूछा ही जाएगा। डेली नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, अगर वीकली सेशन अटेम्प्ट कर लेते हो रेगुलर आप, तो आपका करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। तो क्वारंटाइन को चुना गया है वर्ड ऑफ द ईयर 2020। आप कोरोना वायरस के समय में बहुत सारे वर्ड सुने होंगे, COVID-19 सुना होगा, क्वारंटाइन सुना होगा, लॉकडाउन सुना होगा, इसके अलावा आइसोलेशन वर्ड सुने हो, लेकिन कैम्ब्रिज डिक्शनरी में जो सर्च किया गया सबसे ज्यादा वो शब्द सर्च किया गया है क्वारंटाइन। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी जो सबसे ज्यादा वर्ड सर्च किए गए हैं वो है क्वारंटाइन। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो सबसे ज्यादा वर्ड सर्च किए गए वो है क्वारंटाइन और इसीलिए इसे जो है वर्ड ऑफ द ईयर
चुना गया है। याद रखिए कोविड 19 का समय है, तो कोविड 19 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसे आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा। तो चलिए इसके बाद आप लोगों के लिए दो प्रश्न हैं, दोनों प्रश्नों का जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। और ये जो प्रश्न है जो हमने एनालिसिस किया उसी के आधार पर आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, जिसका जवाब आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में देना है। पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व विरासत शहर में भारत के कितने स्थल शामिल हैं वर्तमान समय में, बताइएगा 38, 39, 40 या फिर 41। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, भारत द्वारा मापी गई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। भारत की बात कर रहा हूं, अभी मैंने बताया था, ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा, इसका जवाब भी आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। तो आज के इस सेशन में फिलहाल इतना ही, और हाँ जैसे मैंने आपको बोला कि अगर इस लेक्चर का आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।